हमेशा परेशान कर रहा था बल्लेबाजों को, लेकिन फिर आत्मविश्वास में बढ़ते हुए नजर आए हो। पांव उठा नहीं आ, अंगद का पांव था बिल्कुल टिका रहा मैदान के ऊपर। कुछ अच्छे शॉट्स भी खेल के दिखाए, और ये वो समय था जब बल्लेबाज हावी होते नजर आए भारतीय गेंदबाजों के ऊपर। बड़ी बारीकी से खेला ये शॉट और शतक अपना पूरा किया। कुछ बड़े शॉट्स भी खेले, सही अंजाम तक खराब गेंदों को पहुंचाया, लेकिन यहां पे वो भागीदारी टूट गई। और भागीदारी टूटी इसका मतलब ये नए बल्लेबाज इस पे आए, और फिर उनके लिए कार्य और कठिन होता चला गया। सेट बल्लेबाज आउट हुए एक के बाद एक, और फिर वहां से मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई। ज्यादा मुश्किल था नहीं है, निर्णय थोड़ा लेग स्पिन गेंदबाजी करते हुए, थोड़ा प्रयोग करते हुए नजर आए अश्विन। जेसन होल्डर ने दिखाया कि ताकत है उनके पास, गेंद बल्ले का अच्छा संपर्क होता है। बॉस्टन चेस ने लुभाया अपने स्ट्रोक्स के साथ, लेकिन कुलदीप यादव ने फिर एक बार वो फिरकी घुमाई जिसने परेशान किया बल्लेबाजों को। कुछ रन जरूर आया आखिरी के ओवरों में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक मैच का काम हो चुका था, और यहां 105 रनों से यह मुकाबला जीत गई भारत।